Good morning, student. How are you? I hope you are safe at your home. Stay safe, everyone. Okay, brother student, my fourth week start हो गया है. आज हमारा उर्दू का लेक्चर है. उर्दू की ऑनलाइन क्लास है. आज हम चेक करेंगे कि आज हमने उर्दू में क्या करना है. हमने मंडे वाले दिन उर्दू में 3 pages किए थे, लेकिन आज हम वेनसडे है. टुडे इज वेनसडे और आज हमारी डेट है 5 मई 2021. ओके, आज हम उर्दू का फर्स्ट 1 page करेंगे, 2 pages करेंगे. आज हम उर्दू के 2 pages कौन कौन से करेंगे, टीचर आपको आपके लर्निंग नोट से बताएंगे कि आज हमने अपने 2 pages पे कौन सा वर्क करना है. ओके, अब हम लर्निंग नोट्स को ओपन करते हैं. उर्दू का पोर्शन आपने ओपन करना है, पेज नंबर 37. आज आपका वर्क है पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर 38. ये 2 pages आपका वर्क है, पेज नंबर 37 एंड 38. हमने अपनी लास्ट वीडियो में पेज नंबर 36 किया था, जिसमें स्वास से शुरू होने वाली तस्वीरों में हमने कलरिंग की थी. उसके बाद हमने 35 लिखा था, मसवातें लिखी थी, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, आदिशकार लिखी थी. ये हमारा मंडे का वर्क था. आज है वेनसडे, टुडे इज वेनसडे. तो वेनसडे का वर्क है पेज नंबर 37. आपको ये 2 boxes नज़र आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का वर्क करना है. आपका फेवरेट वर्क है ये आज. तो चेक करते हैं, हेडिंग को रीड करते हैं. जीम और खे से शुरू होने वाली कोई चीज़ें बनाएं. कोई ऐसी चीज़ें आपने बनानी है जो जीम से स्टार्ट होती हैं, वो इस बॉक्स में बनानी है, और जो खे से स्टार्ट होती हैं वो आपने इस बॉक्स में मेक करनी है. जीम से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं आपको पता है. जीम से जग बनता है, जीम से जहाज बनता है, जीम से जूते बनते हैं. तो आपने अपने फेवरेट चीज़ यहाँ मेक करनी है. आपको जो भी ईजी आता है मेक करना, वो आप ईजिली मेक कर सकते हैं. ओके, और जिस स्टूडेंट का दिल करे वो कलरिंग भी कर सकते हैं. ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट है खे. खे में हमने क्या करना है, खे में भी हमने एक पिक्चर की एक तस्वीर बनानी है. कोई भी आप खे से रिलेटेड चीज़ें की तस्वीर बना सकते हैं, पिक्चर मेक कर सकते हैं. जैसे खे से खरगोश, खे से खरबूजा, खे से खैमा, खे से खत, आप कुछ भी खे से मेक कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको मेक नहीं करना आता तो आप मामा की भी हेल्प ले सकते हैं. ओके, अब हमारा जो राइटिंग वाला पेज है वो पेज नंबर है 38. आपने फर्स्ट पे ऊपर डेट राइट करनी है 3 मई 2021, और आपका जो टॉपिक है वो है फलों के नाम. फलों के नाम, आपको यहाँ कौन सा फल नज़र आ रहा है. जिस तरह हम इंग्लिश में फ्रूट सेम करते हैं, इसी तरह उर्दू में फलों के नाम करते हैं. ओके, आपके पास यहाँ कितने फल हैं, 1, और वो कौन सा है, आम. कौन सा है, आम, और इसको इंग्लिश में हम मैंगो बोलते हैं और उर्दू में हम आम बोलते हैं. आप चेक करो, इसके नीचे आपने राइटिंग करनी है. अब आपको टीचर राइटिंग करना बताएंगे कि हमने इसकी राइटिंग कैसे करनी है. ओके प्रेसिडेंट, टीचर का बोर्ड रेडी है, आपका पेज भी रेडी है, आपने डेट भी मेंशन कर ली है. तो अब हम टीचर के साथ मिलकर राइटिंग करते हैं. ठीक है, आज हम फलों के नाम लर्न भी करेंगे और उनकी राइटिंग भी करेंगे. आज हमने कौन सा फल का नाम राइट करना है, आम. ओके, आम हम सबसे पहले कैसे राइट करते हैं. फर्स्ट मेक करेंगे अलीमद्दा. अलीमद्दा राइट करने के लिए फर्स्ट मेक करते हैं 1, और जो उसका मद होता है ना, इसको हम बोलते हैं मद. जो मद होता है वो आपने अलिफ के साथ टच नहीं करना, वो हमेशा अलिफ से ऊपर मेक करते हैं. ऐसे इन दोनों के मिड में थोड़ा सा स्पेस होता है. अलीमद आ, और मीम हमने बनाना है अलीमद आ से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे. यहाँ से मेक नहीं करना, आपने थोड़ा सा नीचे से मेक करना है मीम. ओके, अलीमद्दा मीम आम. कैसे लर्न करेंगे इसको, अलीमद्दा मीम आम. अगेन आप चेक करो, फर्स्ट मेक 1, फिर आपने ऊपर मद मेक करनी है, तो ये अलीमद्दा मेक हो जाएगा. अलीमद्दा मीम आपने अलीमद्दा से नीचे मेक करना है, मिड से मीम. अलीमद्दा मीम, और जो मीम की स्टिक होती है वो ब्लैक लाइन से नीचे मेक करनी है आपने. अलीमद्दा मीम आम. अगेन हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अलीमद आ मीम आम. आपने मीम का फेस स्मॉल मेक करना है, बिग मेक नहीं करना. अलीमद्दा मीम आम. अगेन चेक करें, अलीमद आ मीम आम. ओके, अलीमद आ मीम आम. आज हमने कौन सा फल का नेम राइट किया है, आम. आम का कलर कौन सा होता है, येलो. आम के अंदर कितनी सीड्स होती हैं, 1 seed होती है. ओके, आम कौन से
मौसम का फल है। ये सर्दियों में हम खाते हैं कि गर्मी में? हम इसको समर में खाते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब हम इसको खाते हैं और ये बहुत टेस्टी और जूसी होता है। आम हमने कैसे राइट करना है? अलिमद आ मी आम। कैसे राइट करना है? अलिमद आ मी आम। ओके, अब आपने भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग करनी है। जब आप स्कूल आओगे तो फिर टीचर आपको बोर्ड पे इसकी राइटिंग करवाएगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।